हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 26 एंड 27 मार्च को आपका शेड्यूल्ड था, इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब बात ये आती है कि भाई आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब उनको ये डर है कि मेरा मेंस के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आगे मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँ, क्योंकि अभी आप सभी कन्फ्यूज हो। क्योंकि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता है कि मैं मेंस के लिए क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ऐसे में आपको मैं आज रिजल्ट की डेट के बारे में मैं बताऊंगा कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका कब आ सकता है, क्योंकि आपका मई फर्स्ट वीक में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो आपका शेड्यूल्ड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो अभी आपका हाल ही में ईएसआईसी यूडीसी का आपका आया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेडनेसडे को ही आपका आएगा, वेडनेसडे या थर्सडे मैंने आपको डेट दी थी और वेडनेसडे रात में आपका आ गया था। तो इस तरीके से आप ये मानिए कि नेक्स्ट वीक में आपका वेडनेसडे या थर्सडे में आपका हर हाल में आपका आरबीआई सिस्टम प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस ज्यादातर जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपका वेडनेसडे या थर्सडे में ही आपका देती है। तो ऐसे में बहुत बड़ी संभावना है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका वेडनेसडे या थर्सडे में आ जाए, क्योंकि ईएसआईसी यूडीसी का आपका जो मेंस है वो आपका 30 अप्रैल को है और उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का आपका मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर ईएसआईसी यूडीसी का आपका पहले आया है तो आपका आरबीआई असिस्टेंट का नेक्स्ट वीक में आपका हर हाल में आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अभी वेट कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से, तो मे बी उनका वेट जो फाइनली अभी एंड होने वाला है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक बस लगभग 3 से 4 दिन अभी आपके बचे हुए हैं। तो मे बी आपका 100% वेडनेसडे या थर्सडे में आ जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको मेंस में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का जो आपका मेंस होता है इतना ज्यादा टफ नहीं होता। वहां पर आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, एक आपको एक्यूरेसी, दूसरी आपको स्पीड, और तीसरा आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको इस वजह से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने प्रीलिम्स में क्या गलती करी थी और अभी मैं मॉक टेस्ट में वो गलती दोहरा रहा हूँ या मैंने वो इम्प्रूव कर लिया। अगर ये आपने कर लिया तो आप फाइनली ये समझिए कि हर हाल में आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब मेंस को क्वालिफाई आप कर लोगे। तो अभी आपका इसके बाद एक एलपीटी का भी टेस्ट होगा, लेकिन अभी मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट रिजल्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी कोई भी ऐसी अपडेट्स आएगी तो मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ अगर आपको जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।